बदलने का मूड देख रहे हैं आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। गाजियाबाद में 9 नगर निकाय हैं, 4 नगर पंचायत, 4 नगर पालिका और 1 नगर निगम। और आज हम पहुंच चुके हैं गाजियाबाद नगर निगम, जहां पर लोगों का मन टटोलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, लोगों की राय जानेंगे और जानेंगे क्या है यहाँ के मोहल्ले का मूड। ग्यारह मई को निकाय चुनाव है, किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट देने वाले? मुद्दे तो अभी हम है नहीं, सब काम ठीक ठाक ही है। नाली खरिंजे बन चुके हैं और सीवर समस्या है, उसके लिए थोड़ा सा दबाव रखेंगे इस पार्षद पे कि सीवर जल्दी से कराए जी। अच्छा, इस बार किस पर भरोसा रहने वाला है? पहले भी हमने बीजेपी को वोट दिया, इस बार भी बीजेपी को वोट देंगे। आप किस पर भरोसा, किन मुद्दों को लेकर? चलिए, फूल वाला आ रहा है हमारे यहाँ, तो आज फूल वाला ही जीतेगा। देखो जी, भरोसा तो हम पिछले 10 साल से बीजेपी पे कर रहे हैं और बीजेपी के जो पीछे पार्षद थे उन्होंने काम ठीक किया है। 18 साल में कितना विकास आपने इस गली मोहल्ले में देखा? भाई, यह पहले से बदलाव तो हुआ है, ऐसी बात नहीं है। बोला कि जैसा होना चाहिए वो चीज़ नहीं है, जो साफ सफाई अभी यहाँ पर नहीं है। यहाँ की तरफ समस्या कौन सी समस्या नहीं है? बिजली या इतना बिल आ रहा है, इतना हम चलाते बिना जितना बिल आता है। पानी है, आधे घंटे को पानी देंगे, उसके बाद पानी नहीं मिलेगा। सारे दिन चाहे भर लोगे तो ठीक है, ना प्यासे मरो। इस बार किस पर भरोसा रहने वाला? भरोसा हमारा शुरू से कमल पे है, अब भी है। हम बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और बीजेपी काम कर रही है देश में, तो बीजेपी एक अच्छी पार्टी है हमारी नज़रों में। देखो जी, भरोसा तो बीजेपी पे ही है, लेकिन विकास नहीं हो रहा कुछ भी। 11 मई निकाय चुनाव, किस पर भरोसा है? बीजेपी। नाम के बेसिस पे, काम के बेसिस? काम के बेसिस पे। क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पर अभी तक? बहुत कुछ काम हुआ है यहाँ पे तो। जैसे कि क्या? जैसे कि हमारे नगर निगम में कितने काम हुए हैं, हम इस पे लिख तो कर नहीं सकते। देखो, पता है आपके मोहल्ले में समस्याएं क्या है? बस समस्या थोड़ी यही है, नाली मोरी की यही समस्या है। हाँ, बाकी और कोई समस्या नहीं है? कोई समस्या नहीं, पानी थोड़ा दो दो टाइम आना चाहिए, यहाँ एक टाइम आता है, ये सफाई नहीं होती। अच्छा, बुरा हाल है गली का, तुम तो देख रहे हो, आप तो देख रहे हो यहाँ, यही है थोड़ा। और इस बार किस पर भरोसा है? भरोसा बीजेपी पे। इस बार किस पर, किन मुद्दों को लेकर वोटिंग होगी और किस को आप भरोसा जता? मुद्दे तो हमारी कॉलोनी में सफाई नहीं होती, पानी नहीं आता और हाल आप देख ही रहे हो नालियों का किस कदर है, निकलना बनना भारी है लोगों का। ये किसी पार्टी का नहीं, चेहरे का चुनाव है। जो बच्चा वादे कर रहा, अच्छे वादे करेगा, उसी का साथ दिया जाएगा। तो समस्या तो देखिए मैडम, आज तक खत्म ही नहीं हो पाई है, चाहे बड़ा हो या छोटा हो। राजीव कॉलोनी आप हालांकि काफी बड़ी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जब आप इस गली से गुजरती हैं तो क्या परेशानियां आपको झेलनी पड़ती? गंदगी यहाँ पे तो बहुत है, बारिश के समय में पूरा पानी भर जाता है, किसी पे भरोसा करने लायक तो है नहीं। सब वोट के समय ऐसे वादे करते हैं और बाद में फिर मुकर जाते हैं। क्या समस्याएं हैं आपकी इस गली? देखो, बस समस्या तो हमारी थोड़ी सी है, रोड की, रोड है थोड़ा सा वो बिना बने रह गया, पर बाकी समस्या कुछ नहीं है। सब बढ़िया है, व्यवस्थाएं बढ़िया है? सब बढ़िया है। और इस बार किस पर भरोसा जताने पर? तो हम तो बीजेपी को वोट देंगे। तो गाजियाबाद नगर निगम की राजीव कॉलोनी में हम लोग पहुंचे थे, लोगों से बातचीत की। प्रत्याशी यहां पर डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, लेकिन यहां के लोगों ने मन बना लिया है कि वो सिर्फ एक बात को मन में रखकर ही वोट डालने वाले हैं और वो है विकास। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मोहल्ले का मूड क्या है और मैं हूं आपके साथ आयुषी देगी। तो आज हम आप पहुंचे हैं अवध क्षेत्र की अमेठी नगर पालिका में, ये जानने के लिए कि नगर निकाय चुनाव को लेकर यहां पर मोहल्ले का मूड क्या रहने वाला है और निकाय चुनाव को लेकर लोगों का मन क्या है, यहां पर चुनाव को लेकर मुद्दे क्या है। तो चलिए जानते हैं क्या है मोहल्ले का मूड। तो अमेठी के वार्ड नंबर 18 के इस वक्त हम मौजूद हैं बाजार में और यहाँ पर जाने की कोशिश करेंगे कि निकाय चुनाव को लेकर मोहल्ले का मूड क्या है। अम्मा हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि जब ये वोट डालेंगे तो इनके क्या मुद्दे रहेंगे। अम्मा, वोट डालती हो तुम? हाँ, डालेंगे हम वोट। क्या है मोहल्ले में जिसपे काम ठीक है? बढ़िया, सब ठीक है, कुछ परेशानी नहीं? कोई परेशानी ना। क्या दिक्कत है चौक मोहल्ले में आपके? मोहल्ले में हमारे यहाँ तो चौक मोहल्ले में पानी की दिक्कत ज्यादा है। शिकायत नहीं की है? शिकायत का तो कोई सुनने वाला नहीं है। यहाँ पे बिजली की बहुत दिक्कत होती है, जो कि एक ट्रांसफार्मर से ही जुड़ा हुआ है और आए दिन दिक्कतें होती रहती हैं।
तो हम लोगों को चाहिए कि एक ट्रांसफार्मर और इधर रख के इधर कहीं रखवा दिया जाए जिससे कि दिक्कत कम हो जाए। जी क्या मन बनाया आपने? करेंगे जो साफ स्वच्छ छवि वाला होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसको वोट करेंगे। ऐसे ही प्रत्याशी को उतारना ही चाहिए जो साफ सुथरी छवि का हो, जिसके ऊपर कोई मुकदमा ना हो, कोई भ्रष्टाचार ना हो, किसी प्रकार से उसके अंदर दुर्भावनाएं ना हो। सेमीफाइनल कह रहे हैं निकाय चुनाव को 24 का, और जिसकी जीत हुई यहाँ पर तो कहीं ना कहीं चेहरा साफ हो जाएगा कि 24 में कौन आ रहा है। क्या लगता है 24 में? तो योगी आदित्यनाथ जी, पीएम प्रधानमंत्री मोदी जी। अब क्या लगता है इस बार? इस बार हमको बदलाव चाहिए, नगर पालिका में बदलाव। जी बदलाव होगा। बदलाव जी बदलाव होगा। वोट डालती हो तुम? हाँ वोट डालते हैं, फिर भी काम नहीं होता है। वोट मांगने तो आते होंगे लोग, फिर क्या करें। तो वार्ड नंबर 23 के यूथ हैं आप, क्या मन बनाया यूथ ने इस बार? इस बार तो चेंजेस होना ही होना है। सरकार क्या? सरकार तो भाई नंबर एक है, सरकार सेमीफाइनल। सरकार तो मेरी बाबा से बढ़िया कोई काम नहीं कर सकता है। क्या काम पसंद है बाबा का? ऐसा सारा कुछ। लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए यहाँ पर परेशान हैं, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं बदलाव इस बार लोग चाहते हैं। और जब ये बदलाव हो तो लोग ये जरूर चाहते हैं कि उनके मोहल्ले में वो साफ सफाई जिनका दावा किया जाता है, आश्वासन दिया जाता है, उस पर जरूर काम हो। वोट मांगने आते हैं, जिन्हें वोट देती हो या देते हो आप लोग, वो आते हैं कभी इस मोहल्ले में देखने के लिए क्या हालत है? नहीं आते देखने के लिए, एक पैसा का नहीं आते यहाँ पे। इस बार वोट डालोगे तो चाहती हो उस पर काम हो? बढ़िया होगा, लेकिन हमारा भी शर्त है कि कॉलोनी पास हो जाए हमारा, तभी देंगे, वरना किसी को देंगे नहीं। वो किसी को नहीं दोगे? किसी को भी नहीं देंगे, जा जो कोई हो। आपने भी यही सोचा है? बिल्कुल सोचा है यही। कचरा उठाने आती है, बोलती नहीं हो उनको कि सफाई ढंग से करो? हाँ जितना कहा सुने सुने, ना सुने ना ही नहीं। सरकार ने जो नल लगाया वो उसमें गंदा पानी आता है? गंदा पानी आता है, बोलते नहीं हो आप लोग? हम सब लोग भी कह रहे हैं मगर इतना गंदा पानी आता है कि उसमें पिए लायक नहीं रहते। तो अमेठी नगर पालिका में निकाय चुनाव को लेकर मोहल्ले का मूड क्या रहने वाला है ये हमने आपको बताया। अब आप नमस्कार, मैं श्रीलता शुक्ला, एबीपी गंगा की टीम आ पहुंची है सोनभद्र और रॉबर्ट्सगंज नगर पालिका लगती है। देखना ये है कि यहाँ पर क्या चुनावी समीकरण बन रहा है, मोहल्ले का मूड क्या कहता है। चल रहा है सर नगर पालिका का काम? लग रहा है न्यूज ही देख रहे हैं। हाँ, ठीक ठाक चल रहा है। अच्छा जी, पुराने चेयरमैन उम्मीदों पे खड़े उतरे? अभी तक तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक है जी। बीजेपी के साथ ही जाइएगा कि कुछ और मूड बनाएंगे? नहीं, हम लोग तो बीजेपी के साथ हैं। बीजेपी के साथ है, व्यापारी मंडल का यही रहा है? यही रहा है। बीजेपी के लिए माहौल है या कोई और है? बीजेपी तो सबसे अच्छा है, अत्युत्तम है। बदलेंगे नहीं? बिल्कुल नहीं, बदलना ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए इसलिए कि योगी जी का जो शासन है वो पूरे साइकिल पे है, समाजवादी नहीं मतलब है? नहीं नहीं नहीं, नहीं उससे कोई मतलब नहीं है। साइकिल क्या है, साइकिल समाजवादी नहीं थी तब भी साइकिल थी, नहीं रही है तब भी है, और जब नहीं रहेगी तब भी रहेगी। बीजेपी ये आएगी। पंडित जी बाँच गए हैं? पढ़े लिए हैं। भविष्यवाणी है क्या? जी जी। आपको क्या लगता है साइकिल का नहीं है मामला? नहीं। पालिका का चेयरमैन किसे बनाएंगे? जो योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, ऐसे लोगों का जो है चेयरमैन बनाया जाए। अच्छा, बीजेपी के चेयरमैन थे, इस बार क्या लग रहा है आपको जिस तरीके का माहौल? चेयरमैन किसी के भी हो और किसी भी पार्टी के हो, कोई भी हो, जो उनका काम है वो करना चाहिए, चाहे बीजेपी। 5 साल तो नहीं किए? हमें तो नहीं लगा यहाँ पे कि काम हुआ है। बीजेपी या साइकिल? बीजेपी साइकिल कहाँ आएगा, साइकिल कहीं नहीं आएगा। नहीं आएगा ना, क्योंकि हम वोट नहीं देंगे साइकिल को। होगी क्या समाजवादी और कमल? हाँ कमल तो भाई सबसे लड़ेगा, सत्ता में है इस समय तो उसी का है ज्यादा। लगातार जन समस्याएं उत्पन्न है, नगर पालिका परिषद ने एक भी काम नहीं किया है। कौन है विकल्प? विकल्प है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी, आपको क्या लग रहा है, युवा क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? युवा हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ रहा है और हमेशा समाजवादी पार्टी के साथ है यहाँ पे। लेकिन 2017 के बाद इतनी साफ सफाई कभी नहीं हुई थी जितनी भाजपा के सरकार में हुई है। आपका मूड क्या है, 5 साल का कार्यकाल का आकलन तो कर सकते हैं आप? हम तो देख रहे हैं जैसे पहले था वैसे ही अब भी है, कुछ बदला नहीं, कुछ बदला नहीं है। जैसे वोट बदल लेंगे, पार्टी बदल लेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। वो कैसे जाते होंगे ईवीएम मशीन के सामने या फिर बैलेट बॉक्स के सामने, क्या चलता है आपके? अब चलता जो दिमाग में आता है वो कर दिया जाता है। या दिल की सुनते हैं दिमाग की? अब दिल दिमाग दोनों काम करता है। दिल तो आपका बीजेपी है,
दिमाग कह रहा है काम नहीं हुआ है, किधर जाएंगे? नहीं नहीं, दिल दिमाग दोनों है तभी तो काम होता है ना। क्या लगता है यहाँ लड़ाई किसके किसके बीच जी? भारतीय जनता पार्टी शुरू से लड़ी है, लड़ती रहेगी। नागरिक पार्टी का क्या हाल है अब उसके बारे में तो मैं नहीं बता पाऊंगा। क्या कह रहे चाचा? कूड़ा नहीं उठता जो है नगर में, ये देखिए कूड़ा गजा हुआ, वह देखिए सफाई कहाँ होता है। चेयरमैन रहे हैं 5 साल, आपको कैसे लगे? वो सब बेकार है, बदलाव कीजिएगा। अरे एकदम बदलाव करेंगे। क्या लग रहा है अंकल, काम धाम हुआ है कुछ? कुछ नहीं काम धाम हुआ है, विकास के नाम पे कुछ? विकास नाम कुछ नहीं हुआ है। एक बार बदलाव कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बदलाव होगा। विकल्प क्या है आपके? विकल्प है जो अच्छा कैंडिडेट होगा उसको चुनेंगे हम लोग। आखिरकार पालिका चुनाव में किसका चुनाव? देखिए चुनाव तो व्यक्ति विशेष पे होना चाहिए, लोकल व्यक्ति होना चाहिए पहली बात। दूसरी बात में ये नगर पालिका जो अध्यक्ष हुए हैं सही नहीं हुए हैं। अच्छा। नगर पालिका ये सामने दिखाई दे रहा है, सामने कितनी गंदगी है और ये स्थिति क्या है यहाँ, इस पार्क को ये लोग नरक बना दिए हैं। क्या लग रहा है इस बार पालिका का काम काज? पालिका बीजेपी जीतेगी यहाँ से। पैसे कैसे पता आपको? अरे बीजेपी का काम अच्छा इसलिए पता है, बीजेपी जीतेगी। मोदी जी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। ये बोलना नहीं था, ये समुदाय बोलता है। तो ये था सोनभद्र से मोहल्ले का मूड, क्या कहता है दिखाया हमने। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं मोहल्ले का मूड क्या है। आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। हमीरपुर के मौदहा नगर पालिका में हम आ चुके हैं। यहां पर निकाय चुनाव को लेकर कितनी सरगर्मी है, शहरी सरकार चुनने को लेकर लोग किस तरीके से बातचीत कर रहे हैं, आइए आपको लिए चले नगर पालिका के भीतर और जानते हैं यहाँ पर क्या है मोहल्ले का मूड। आइए हमारे साथ। तो मौदहा नगर पालिका में हम मौजूद हैं, शहरी सरकार चुनने को लेकर यहाँ के लोग क्या राय बना रहे हैं, क्या चर्चाएं चल रही हैं, ये यहाँ के लोगों से ही जान लेते हैं। क्या है इस बार माहौल इधर का मौदहा नगर का? माहौल बिल्कुल परिवर्तनशील है, इस बार यहाँ का युवा परिवर्तन चाहता है और परिवर्तन लेके रहेगा। हम जैसे युवा सिर्फ युवा प्रत्याशी ही चाहते हैं जो शिक्षित हो और जो धर्म रक्षक हो। और जैसे कि हमने देखा है कि पिछले से पहले जितने भी चेयरमैन जितने भी नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं सिर्फ उन्होंने ठगी ही की है विकास के नाम पे, उन्होंने बहुत पैसा खाया। युवा नेता हमें चाहिए, युवा अध्यक्ष चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि युवा अगर होगा तो युवाओं के बारे में वो बहुत कुछ सोचेगा। क्या है यहाँ के लोगों की समस्याएं, क्या है पहले तो ये बताएं, समस्याओं को लेकर 5 साल में काम किया पालिका वालों ने कि नहीं? पिछले 5 वर्षों में तो इस तरीके का कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन हाँ भ्रष्टाचार से रिलेटेड बहुत सारे काम हुए हैं। देखिए कैसा होता है ना कि अगर राजा मजबूत होता है तभी जनता भी मजबूत होती है और सेना भी मजबूत होती है, और अगर प्रत्याशी हम ही ने ऐसा चुन लिया है जिसको खुद में अभी इस चीज़ का अनुमान नहीं कि वो पालिका के अध्यक्ष बन गए हैं, उनसे हम काम की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी के अच्छे हैं, तारीफ करते हैं, लेकिन जो उनके अगल बगल मकर जाल है, जो उनकी रिपोर्टिंग उनके मंत्री देते हैं वो सही नहीं देते हैं। यहाँ का क्या है माहौल? यहाँ का माहौल मैडम आप देख ही रही हैं कि पूरे प्रदेश में अगर बीजेपी से कोई लड़ रही है तो समाजवादी पार्टी लड़ रही है, पूरे उत्तर प्रदेश में यही हालात है। और रही मौदहा की बात, तो आप इससे पहले भी पूर्व का इतिहास उठा के देखिए कि यहाँ भी अगर लड़ाई हुई है तो समाजवादी वर्सेस बीजेपी रही है। यहाँ तो कुछ लोग कह रहे हैं मौदहा में कि बसपा आने वाली है, कुछ लोग कह रहे हैं कि साइकिल भी दौड़ सकती है, और आप कह रहे हैं कि पुल खिलेगा। कोई मैदान में नहीं है, ना कोई टक्कर में है, जब रिजल्ट आएगा आप देखेंगी कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रत्याशी माननीय योगी जी के नेतृत्व में आने वाली 13 तारीख को। आप कार्यकर्ता है? जी मैं मंडल का महामंत्री। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।